हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशनल थिंकर्स की। आपके बहुत सारे कमेंट्स और ईमेल्स आए दैट मैम एजुकेशनल थिंकर्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो NTA UGC नेट पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2 दोनों वालों के लिए है। और साथ ही अगर आप BA MED MA एजुकेशन कर रहे हैं तब भी आपको रविंद्रनाथ टैगोर और अदर जो एजुकेशनल थिंकर्स हैं, जैसा कि लिस्ट आप लोगों के सामने है, आपको पढ़ना है। तो ये जो सीरीज़ है हमारी एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो सीरीज़ है उसके पैरेलल में चल रही है, और इसमें ये सभी एजुकेशनल थिंकर्स को मैं डिस्कस करूँगी जो ब्लू कलर के हैं। ये सब कैसे हैं? इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स हैं। और यहाँ जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये सब वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स है, तो इनको भी डिस्कस करेंगे। अब एक फेवर मैं आपसे चाहूँगी, आप मुझे ये बताइए कि आप पहले सारे इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स पढ़ना चाहते हैं या वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि एक इंडियन एजुकेशनल थिंकर के बारे में बात हो और दूसरा वीडियो वेस्टर्न का हो, ऐसे हम अल्टरनेट करके पढ़ें। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख करके बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमारा वीडियो है, जिसके बारे में इस वीडियो की क्या आउटलाइन होगी। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी थोड़ा सा, फिर टैगोर को किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, कौन कौन से इज्म वो फॉलो करते हैं, उनकी जो फिलोसॉफी है कौन कौन से इज्म को सपोर्ट करते हुए दिखती है ये देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर्स एजुकेशनल फिलोसॉफी, करिकुलम उनके अकॉर्डिंग क्या है, स्कूल कैसा होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, टीचर डिसिप्लिन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें मैं उनके जो दो इंस्टीट्यूट हैं शांति निकेतन और दूसरा आप बताइए मुझे कमेंट में लिख करके, जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अब वो अगर आपको नहीं पता है तो आपको रुकना पड़ेगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बिल्कुल पिछले 16 सालों के तैयार हैं। आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं आसानी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जा करके देखें। चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनका जन्म 1861 से 1941 तक ही रहे, और बहुत सारी पोएम्स और नाटक इन्होंने लिखे, ड्रामा लिखे, इसीलिए एशिया के सबसे पहले नोबेल लॉरिएट, मतलब कि सबसे पहला एशिया का सबसे पहला नोबेल किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और इसके साथ इन्हें एक टाइटल भी दिया गया है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरीके से इन्हें संबोधित किया जाता है। उसके बाद बात करें नोबेल प्राइज जो मिला था तो किस लिए मिला था, जो गीतांजलि इनकी जो फेमस कृति है उसे इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें डिग्री ऑफ डॉक्टरेट भी दी थी 1915 में, पर जो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ उससे ये बहुत दुखी हो गए और इन्होंने अपना जो अवार्ड था वो वापस कर दिया। ठीक है, इसके बाद ही हैज़ इस्टेब्लिश्ड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेम्ड एज शांति निकेतन एंड विश्व भारती, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, पर विश्व भारती क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसकी फिलोसॉफी है, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात होगी। ठीक है, और एक बात ये भी जाने कि ये जो विश्व भारती है, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसने मैनी स्कॉलर्स लाइक अमर्त्य सेन, आप जानते हैं अमर्त्य सेन कौन है, अमर्त्य सेन भी एक नोबल ले चुके हैं स्टैटिक्स में और इंडिया के ही हैं। ठीक है, सत्यजीत रे आप जानते होंगे इनको, इंदिरा गांधी भी अपने अर्ली डेज में जो है विश्व भारती में रहकर पढ़ी है, एंड ही डाइड इन 1941। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, मैं बिल्कुल डिटेल में बात करने वाली हूँ यहाँ पर, ऊपर ऊपर का ये वीडियो नहीं होने वाला है, तो कॉपी पेन अपने पास ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप को कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि उसी से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आगे की तरफ काम करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो फिलोसॉफी है, एजुकेशनल जो फिलोसॉफी है टैगोर की, उसके अकॉर्डिंग जो है हम टैगोर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टैगोर क्या थे, इंडिविजुअलिस्ट थे, व्यक्तिवादी थे, आइडियलिस्ट थे, आदर्शवादी थे, है ना। टैगोर की जो फिलोसॉफी थी वो किस तरीके की थी, स्पिरिचुअलिस्ट थी, अध्यात्मवादी भी थे वो, ह्यूमनिस्ट भी थे, मानवतावादी भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे, प्राकृतिवादी भी थे,
प्रैग्मेटिस्ट, व्यवहारवादी भी थे। ये सब कुछ मैं अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरनेशनलिस्ट, अंतर्राष्ट्रवादी भी थे, मतलब कि इंटरनेशनल बातें, वहाँ के कल्चर को भी अपने अंदर इनकलकेट कर लेना, मिला लेना, ये इन सब चीज़ों को वो अपने फिलोसॉफी में शामिल रखते थे। अब देखिए दोस्तों, ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, पर एग्ज़ाम में किस तरीके से आएगा? एग्ज़ाम में आपको दो तीन चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी टैगोर की बात हो, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है NTUC नेट का, इस तरीके के क्वेश्चन है ना, मैच द फॉलोइंग की तरह आते हैं। एक तरफ आपको फिलोसोफर्स के नाम दे दिए जाएंगे और एक तरफ उनकी जो की पॉइंट होता है उनकी फिलोसॉफी का, वो दे दिया जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर टैगोर है तो टैगोर को आप नेचुरलिस्ट की कैटेगरी में ही रखेंगे, है ना, नेचुरलिस्ट। और सेकेंडरी नंबर पर आ जाएगा आपका प्रैग्मेटिस्ट, क्योंकि ये हमेशा एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके सीखने की बात करते थे और नेचर में ले जाकर सीखने की बात करते थे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट पर टैगोर क्या है, नेचुरलिस्ट है, देन फिर प्रैग्मेटिस्ट है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं नेचुरलिस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं उसको। तो अब देखें, अब अगर हम डिफाइन कर रहे हैं टैगोर को इंडिविजुअलिस्ट, तो ही बिलीव्ड इन गिविंग राइट टाइप ऑफ फ्रीडम टू इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल मतलब कि हर एक इंसान की, एक पर्टिकुलर इंसान को, एक आदमी को भी ये इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप में है तो ग्रुप को ही इंपॉर्टेंस, नहीं, हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है, उसकी यूनिकनेस इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि टैगोर क्या है, इंडिविजुअलिस्ट हैं। ठीक है, जो हम इनको टैग दे रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन है कि हम बोल रहे हैं कि टैगोर जो है इंडिविजुअलिस्ट हैं। क्यों है वो इंडिविजुअलिस्ट, क्यों? क्योंकि ये बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक तरीके के इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। नाउ एज एन आइडियलिस्ट, एक आइडियलिस्ट क्या बोलता है, ही बिलीव्स दैट मैन शुड लिव फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ विच लिबरेट अस फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, हैड फेथ इन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आइडियलिस्ट की क्या मेन भावना क्या होती है, मेन मुद्दा क्या होता है उनका, उनका मुद्दा ये है कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, कि जन्म मृत्यु के बंधन से हट जाना ही क्या है आइडियलिस्ट की, क्या है, एक मेन कॉन्सेप्ट है, और एब्सोल्यूट वैल्यूज पर आपको बिलीव रखना है। नाउ नेक्स्ट है एज ए स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअल से यहाँ पर क्या मतलब, ही बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल शुड ट्राई टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन। अब स्पिरिचुअलिटी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए मैंने हिंदी का ट्रांसलेशन तो नहीं लिखा हुआ है, आध्यात्मवादी, तो आध्यात्मिक होना ज़रूरी है। आप आध्यात्मिक होंगे तभी, आध्यात्मिक अगर परफेक्शन अगर आप लेकर के आ जाएंगे अपने अंदर, तो जो है आप इस धरती पर, इस संसार में जो है मुक्ति पालेंगे, ये इनका कहना था। एज अ ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट की तरह ये क्या कह रहे हैं, ह्यूमनिस्ट को आप क्या कह सकते हैं, मानवतावादी। मानवतावादी क्यों कहा जा रहा है इनको, क्यों? क्योंकि ही प्रीच्ड ह्यूमन ब्रदरहुड, है ना, ह्यूमन ब्रदरहुड, हैविंग फेथ इन फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ही रिमार्क दैट इवन गॉड डिपेंड्स अपॉन द मैन फॉर परफेक्शन ऑफ हिज यूनिवर्स। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बहुत सारे कोट्स को भी शामिल करने वाली हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ह्यूमनिस्ट मानवतावादी क्यों कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इंसान इंसान में भाईचारा होना ज़रूरी है, ह्यूमेनिटी होना ज़रूरी है, तभी हम जो है इस अर्थ पर आसानी से अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि गॉड भी, जो भगवान भी है, वो भी मैन पर ही डिपेंड करता है इस यूनिवर्स को अच्छे से चलाने के लिए, है ना। भगवान ने इंसान को बनाया ताकि वो इस यूनिवर्स को अच्छे से चला सके, तो ह्यूमनिस्ट की भावना होना ज़रूरी है। फिर एज ए नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट क्यों कहते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। टैगोर मतलब नेचुरलिस्ट, टैगोर मतलब नेचुरलिस्ट, ठीक है। ही कंसीडर नेचर एज अ ग्रेट टीचर, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू वेरियस फॉर्म्स, कलर्स एंड रिदम्स ऑफ नेचर, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गॉड अपने आप को हमें कैसे दिखाता है कि हम हैं, भगवान है इस धरती पर, कैसे बताता है, नेचर के थ्रू बताता है, ठीक है। नेचर में जो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जो अलग अलग कलर हैं, अलग अलग मौसम है, ये क्या रिवील करते हैं कि देयर इज समथिंग, कोई तो है जो इन चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, चला रहा है, तो नेचर, है ना। नेचर कौन
किसको रिवील करता है? नेचर किसके कारण है? गॉड के कारण है, ठीक है। तो नेचर में अगर रह करके आप सीखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर विजुअल होती हैं, हर चीज़ आप फील कर सकते हो। इसलिए हमेशा टैगोर का ये मानना है कि वो एक नेचुरलिस्ट हैं और नेचर जो है एक सबसे अच्छा टीचर होता है, ये टैगोर का मानना है ना। टैगोर्स इंटरनेशनलिज्म, अब इंटरनेशनलिज्म आपने नाम सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। इस पर ये इस चीज़ को ये फॉलो करते थे, बोलते थे कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सभी जो है ब्रदरहुड, भाईचारा उनमें होना चाहिए। ये एक धरती एक घर है और इसमें रहने वाले हम सब लोग भाई भाई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इनके मेन प्रिंसिपल क्या थे? ये तो एक इनके कॉमन जो है थॉट्स हो गई कि भाई ये इनका मानना था, इस तरीके की ये सोच रखते थे। पर एजुकेशन के बारे में इनकी क्या फिलोसॉफी थी? सेल्फ रियलाइजेशन। इनका ये कहना है कि एजुकेशन कैसी हो जिससे बच्चे में सेल्फ रियलाइजेशन बढ़े। इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड द पोटेंशियल टू परसीव वन सेल्फ एज एन इंडिविजुअल हु इज़ डिफर फ्रॉम अदर। इनका ये कहना है कि एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चा अपने आप को समझ पाए, उसकी क्या क्या खासियत है, क्या पोटेंशियल है, क्या उसकी ताकत है और वो किस तरीके से दूसरे से डिफरेंट है, ये समझ पाए। अगर कोई एजुकेशन बच्चे में सेल्फ रियलाइजेशन ले आए तो वही एक अच्छी एजुकेशन है। ये इनका कहना था, एजुकेशन मस्ट डेवलप सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत सारे अलग अलग जो हमारी फैकल्टीज होती हैं माइंड की, है ना, उन सबको मिला करके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, विचारों का, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, फ्रीडम, माइंडफुलनेस थ्रू विच लर्नर कैन डेवलप हिज और हर लर्निंग स्टाइल एंड नीड टू परफेक्शन इन लाइफ। तो एजुकेशन ऐसी हो जिससे इन सारी चीज़ों का, फ्रीडम भी डेवलप हो, माइंडफुलनेस भी डेवलप हो जाए, क्यूरियोसिटी बनी रहे बच्चे में, क्रिएटिविटी डेवलप हो, ये सारी चीज़ें अगर एक एजुकेशन डेवलप कर पा रहा है, मतलब कि वो बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर पा रहा है, और अगर एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर पा रहा है एक एजुकेशन, तो वो एक सही एजुकेशन है। ऐसा ही एजुकेशन टैगोर बोलते हैं कि होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं कि सेल्फ एक्सप्रेशन। भाई आपने सब कुछ पढ़ा दिया पर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई ऐसी हो कि बच्चे को मौका मिले बोलने का, वो अपने थॉट्स, अपने विचार बता सके, सेल्फ एक्सप्रेस कर सके, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। कर भी सके और एक क्वालिटी भी डेवलप हो जाए उसके अंदर, ठीक है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी एजुकेशन हो जिसमें फिजिकली भी हो, ऐसा नहीं सारा जोर आप दिमाग पर ही दे दें, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट भी वहाँ होना चाहिए। तो योगा, गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सब को भी वो जो है सपोर्ट करते हैं, कि बोलते हैं ये भी जो है आप अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने एजुकेशन का जो करिकुलम है उसमें डालिए। फिर लव फॉर ह्यूमैनिटी, जैसा कि अभी बात भाईचारे की बात हुई है, वसुधैव कुटुंबकम, अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ वननेस ऑन द ग्लोब, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड। अब इंटरनेशनलिज्म की भी जैसे बात हो रही थी अभी, है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमैनिटी, जितने भी इंसान हैं इस धरती पर, सब में भाईचारा हो, ऐसा ना हो आप भेदभाव, जैसे बोलते हैं ना वो रेशिज्म होता है, काले गोरे का भेद, है ना, रंग भेद के जो प्रॉब्लम्स हम सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि इस ग्लोब पर प्रेजेंट, इस धरती पर प्रेजेंट जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से अलग हैं और हम सबको साथ में चलना होगा, सेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ वननेस लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ नाउ नेचर, नेचुरल ग्रोथ इन नेचर, क्या बोल रहे हैं, नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए नेचर में रहकर। क्यों? क्योंकि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, जैसा मैंने आपको बताया अभी, नेचर विल प्रोवाइड स्टूडेंट विथ नेसेसरी सिचुएशन टू अर्न नॉलेज। नेचर खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि बच्चा अपने आप समझ जाए कि चीज़ें कैसे होती है, नॉलेज उसे अपने आप गेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बॉटनी में पढ़ने जाते हैं ना, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, आप डलवाइए बच्चे से सीड मिट्टी में, रोज पानी डलवाइए उससे, अपने आप नेचर टाइम के साथ उसे सिखा देगा कि एक प्लांट कैसे ग्रो होता है। तभी तो जो है गांव में जो लोग, जिन जो बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता पर उन्हें मालूम है कि खेती कैसे होती, क्यों? क्योंकि नेचर में वो देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, को एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट इन गॉड, मैन एंड नेचर, अ पीसफुल वर्ल्ड इज पॉसिबल ओनली वेन कोरिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। अब ये बोल रहे हैं कि कोरिलेशन जुड़ना चाहिए, कौन कौन चीज़ें जुड़ना चाहिए, गॉड, मैन एंड नेचर,
ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें एक हो जाएंगी, अगर आप ऐसी एजुकेशन बता पढ़ा दें जिसमें ये बता दें कि नेचर में ही गॉड है, मैन के अंदर गॉड है और इन सब ये सारी चीज़ें एक ही हैं, तो जो है वो एक अच्छी एजुकेशन होगी। फिर है फ्रीडम, फ्रीडम की बहुत बात की है इन्होंने और इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम तीन कैटेगरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ हार्ट, फ्रीडम ऑफ विल एंड फ्रीडम ऑफ इंटेलेक्ट। सो एजुकेशन शुड इम्पार्टेड इन अ वे दैट इट वुड अचीव दीज फ्रीडम, और फ्रीडम ऑफ हार्ट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ विल होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ इंटेलेक्ट होनी चाहिए, ताकि जो एजुकेशन आप दे रहे हैं उससे कंप्लीट फ्रीडम बच्चे में आ सके। फिर जो है बात सभी लोग करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होना, ये बात तो गांधी जी भी कहते हैं ना, खुद से काम करके हम अपनी लाइवलीहुड, अपने पैसे वैसे कमा सकें, अपना खर्चा पानी चला सकें, सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है। एजुकेशन ऐसी हो कि वो बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बना दे अप्रोक्सीमेट अप टू द एज ऑफ 14। फिर बात करते हैं ये मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, भाई मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए बच्चे के अंदर एजुकेशन के थ्रू, तभी तो शेयरिंग केयरिंग एंड कॉरपोरेशन कॉपरेशन आता है उनके अंदर। ठीक है, फिर ये सोशल डेवलपमेंट, सोशल फीलिंग होनी चाहिए, जैसे कि बोल रहे टैगोर देयरफॉर सेट सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, है ना, एक इंसान को दूसरे इंसान की सेवा का मौका मिले, वो काम करे, तो उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप एक इंसान की सेवा कर रहे हो मतलब आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो सोशल डेवलपमेंट इस तरीके से उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने बोला है कि मदर टंग में ही जो है पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द ट्रू व्हीकल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक ही माध्यम है, वो है हमारी लैंग्वेज, और वो अगर हमारी मदर टंग होगी तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, एजुकेशन शुड मेक द चाइल्ड एबल टू प्रैक्टिस द आइडिया एंड वैल्यू ऑफ नेशनल कल्चर, नेशनल कल्चर की भी बात इन्होंने कही है, ना था जनगण मन तो हम गाते ही हैं, तो नेशनल कल्चर बच्चों के अंदर होने चाहिए, अपने देश के प्रति प्यार, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सब बच्चों के अंदर होनी चाहिए। नाउ है ही फॉर्मुलेट गोल ऑफ एजुकेशन बाय सिंथेसाइजिंग द एंशंट वैदिक एजुकेशन मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक एटीट्यूड, और ये बोलते हैं कि जो गोल ऑफ एजुकेशन है पढ़ाई ऐसी हो कि आपकी जो वैदिक एजुकेशन है और जो मॉडर्न साइंटिफिक जो वेस्टर्न एजुकेशन है उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इंडियन वैदिक ही पढ़ा दिया, आपने जो नई प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड्स आ रही हैं वो नहीं पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, सब कुछ पढ़ाना है। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा करिकुलम, इनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो करिकुलम जो होना चाहिए बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ एंड ब्रॉड एक्सपीरियंसेस ऑफ द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, करिकुलम में जो चीज़ें हों वो उसमें एक्टिविटीज़ हों और वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए। फिर बोल रहे हैं करिकुलम में क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होना चाहिए, अपना जो करिकुलम है एजुकेशन सिस्टम का इस तरीके से डिज़ाइन करें, कुछ ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें डालें जिससे बच्चे में क्या हो क्रिएटिव डेवलपमेंट हो। ठीक है, और साथ में क्या बोल रहे हैं कि भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी नेचर ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने अब पहले शुरू में बताया था मैं आपको प्रैग्मेटिस्ट, तो देखिए सब प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर है ना, फूलों की बागबानी वगैरह करना, गार्डनिंग, फील्ड स्टडी, लेबोरेटरी वर्क, ये सब क्या है प्रैक्टिकल चीज़ें, इसीलिए बोल रहे हैं प्रैग्मेटिज्म भी, प्रैग्मेटिस्ट भी ये थे, वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाना, इन सबको ये सपोर्ट करते थे। तो आपको आर्ट भी पढ़ाना है और प्रैक्टिकल चीज़ें भी पढ़ानी है। अब क्रिएटिव एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग सिंगिंग ये सब, जैसे ड्रामा में तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे ड्रामा इन्होंने लिखे हैं, है ना, उसी के लिए इनको नोबल भी मिला है ड्रामा एंड पोएट के लिए, ठीक, पोएम्स के लिए। नाउ फिर है आपका टेगो सजेस्टेड मेथड ऑफ टीचिंग कैसी हो, भाई वॉकिंग, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्टिविटी मेथड, एक्सकर्शन बाहर ले जाना, फील्ड विजिट कराना, ये सारी टीचिंग मेथड्स होनी चाहिए इन करिकुलम्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं स्कूल कैसा होना चाहिए, तो स्कूल ऐसा होना चाहिए पीसफुल प्लेस पर हो, ठीक है, वेयर चिल्ड्रन कैन कॉन्सेंट्रेट एंड बी ट्यून्ड विथ द नेचर, है ना, इस पीसफुल जगह पर स्कूल होना चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर स्कूल ऐसे होते हैं शहर के बाहर की तरफ होते हैं, हालांकि अब तो हर जगह इतने बढ़ गया है शहर के, वो बीच में ही हो गए हैं जो पुराने समय के जो स्कूल रहे वो। ठीक है, नाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड कंजर्व एंड ट्रांसमिट द हेरिटेज ऑफ कल्चर,
हमारा कल्चर है वो ट्रांसमिट होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू। फिर बोल रहे हैं टीचर कैसा हो, तो टीचर हो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मतलब ऐसे ऐसी एक्टिविटीज करवाए, ऐसा माहौल बनाए कि बच्चों को रिफ्लेक्ट चीज़ों पर सोचने का, विचार रखना, बोलने का मौका मिले, है ना। और टीचर कैसे ट्रीट करना चाहिए बच्चों को, विद लव अफेक्शन सिंपैथी एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं चिल्ड्रन इन यूजफुल एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एंड मोटिवेट टू लर्न बाय देयर एक्सपीरियंस। तो जो है टीचर को ऐसा मौका देना चाहिए बच्चों को कि वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीख सकें। और क्रिएटर ऑफ कंडक्टिव इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट टीचर को बनाना है कि उनकी शिक्षा आगे बढ़ती चले, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करता चले बच्चा, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना। ऐसा नहीं कि टीचर खुद सॉल्व करने लगे प्रॉब्लम, कंडक्टिव आगे लेकर के जाने वाला हो, ठीक है। तो टीचर सपोर्ट करें ना कि खुद करने लगे उनके काम, ठीक। फिर बात आती है डिसिप्लिन की, तो ये बोल रहे हैं कि भाई डंडे वंडे चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, सेल्फ डायरेक्टेड डिसिप्लिन आएगा तभी बात बनेगी। आप बच्चे को मार पीट के बिठा दे क्लास में, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक सेंस ऑफ डिसिप्लिन उसके अंदर खुद नहीं आएगा, सेल्फ डायरेक्टेड डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक आप कुछ पढ़ा लो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको बाहर से इम्पोज नहीं करना है, ऐसे काम कीजिए, इस तरीके से समझाइए कि उसके अंदर खुद डिसिप्लिन आ जाए, ठीक। फिर देखिए अभी एक बहुत फेमस पोयम है उनकी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो ये बोल रहे हैं डर, जब जहाँ पर डर खत्म हो जाता है वहीं जो है नॉलेज मिलता है आपको। तो ये आपने पोयम पढ़ी होगी, इसको इसको दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो दो चीज़ें निकल करके आई, जो शांति निकेतन है ना, और जो विश्व भारती है, ये इन्हीं इसी पोयम के बेस पर जो है ये दो इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इनके काम करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कल्पना करी है कि भाई ये जहाँ एजु वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर लोगों के मन में डर ना हो, है ना, हेड इज हेल्ड हाई, सब सीना तान के ऊंचा सर करके रहे, ऐसा मेरा देश हो, ये इन्होंने सोचा। और उसी को फुलफिल करने के लिए जो है इन्होंने वो दो इंस्टीट्यूट बनाए। उसी के साथ एक और कोट मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो एजुकेशन को जो है स्पेसिफाई करता है कि इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन मीन्स इनेबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रुथ। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मतलब ये है कि माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर देना कि वो अल्टीमेट ट्रुथ को ढूंढे एंड इमेंसिपेट अस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ डस्ट। अज्ञानता की जो धूल है वो हट जाए, गिव अस वेल्थ, हमें हमें धन प्राप्त हो। पर किस तरीके का धन, धन ऑफ मतलब कि नॉलेज ऑफ, धन ऑफ नहीं, नॉलेज ऑफ इनर लाइट, नॉट ऑफ पावर बट ऑफ लव। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट, इट इज़ अ डिवाइन वेल्थ, इट हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। तो नॉलेज वो है जिससे हमें इनर लाइट मिले, पावर बट ऑफ लव, पावर शक्ति मिले, पर किसके, प्यार की शक्ति मिले, एनलाइटमेंट हो, है ना। तो वही क्या है, एक सही नॉलेज या एजुकेशन होता है। तो आप इसे पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें अच्छे से। और ये सब चीज़ों के बाद ही माइंड, फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट और अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट साथ में चलते हुए ये जो है शांति निकेतन और विश्व भारती जैसे दो इंस्टीट्यूट इन्होंने इस्टेब्लिश किए, जिसमें से शांति निकेतन जो है गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की तरह है, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों रहते हैं और बातचीत के थ्रू चलते चलते डिस्कशन करते हुए यहाँ पर बच्चे जो है अपने टीचर्स से सीखते हैं, पेड़ों के नीचे जो है क्लासेस लगती हैं, इस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट है। वहीं जो विश्व भारती है, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन की, इसको आगे बढ़ा करके कंबाइंस इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर। तो जैसा मैंने बताया था कि ये जो है इंटरनेशनलिज्म इनका जो है भाई, यहाँ की इंडिया की पढ़ाई भी और वेस्टर्न कल्चर दोनों को मिला करके इस तरीके के सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। इट एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो विश्व भारती जो है ये एक ब्रदरहुड का मैसेज देती है कि भाई हम इंडिया का भी कल्चर रखते हैं और हम दूसरे कल्चर्स को भी अपनाने के लिए उतने ही ज़्यादा ओपन हैं, ठीक है।
तो ये हमारा था आज का वीडियो रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर। होप अगर आप कोई भी नोट्स बना रहे होंगे तो आपको एग्जाम